नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 28 अप्रैल सन 2022, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। राहु काल का शुभ समय आज क्या होगा और अभिजीत मुहूर्त व गोलिक काल का शुभ समय क्या रहने वाला है, साथ ही आज का दिशा शूल क्या है, कौन सी दिशा में आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए और यदि उस दिशा में यात्रा करनी हो तो क्या उपाय आपको करना चाहिए, इसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं दैनिक पंचांग 28 अप्रैल सन 2022। वैशाख माह ग्रीष्म ऋतु कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। त्रयोदशी तिथि 12:27 मध्य रात्रि तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि होगी। आज का बार गुरुवार है। पुत्रा भाद्रपद नक्षत्र 5:40 सायंकाल तक रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र होगा। जबकि आज का योग वैधृति योग 4:28 सायंकाल तक और उसके बाद विष्कुंभ योग होगा। करण की बात करें तो आज गर करण 12:23 मध्याह्न काल तक रहेगा, उसके बाद वनिष्ठ करण होगा। राहु काल का अशुभ समय आज 1:58 दोपहर से प्रारंभ होगा, 3:36 दोपहर तक रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:53 मध्याह्न काल से प्रारंभ होगा और 12:45 मध्याह्न काल तक रहेगा। बात गोलिक काल की करें तो गोलिक काल का शुभ समय प्रातः काल 9:04 से प्रारंभ होगा, 10:40 प्रातः काल तक रहेगा। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें। अभिजीत मुहूर्त और गोलिक काल में समस्त शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। गोलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्य किए जाते हैं। आज का जो दिशा सोल है दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में आज यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं, नौकरी अथवा अपने कामकाज के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप विशेष प्रयोजन से दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं, आज दही का सेवन करके ही दक्षिण दिशा की यात्रा करें, इससे यात्रा सुखद व मंगलमय होती है। आज के जो मुख्य व्रत और त्योहार है, आज प्रदोष व्रत है। आज सायंकाल को भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करिएगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अजय दर्शकों का आज जन्मदिन है, सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करना चाहिए। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन अवश्य करिएगा। जिन दर्शकों के विवाह वर्षगांठ है, आप सभी दर्शकों को विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सौभाग्य सुख हेतु माँ भगवती पार्वती व भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए व समस्त पूजा पाठ के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं।